रिसेंटली एक बार फिर से प्रभास की मूवी स्पिरिट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गई है। किसकी वजह से? इस बंदे की वजह से। जब स्पिरिट के डायरेक्टर संदीप रेड्डीवांगा, ये बंदा ना आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है कि पूरा सोशल मीडिया हिल जाए। जलवा है हमारा। अभी रिसेंटली ना उनका ये पिक्चर और ये लुक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्पिरिट में प्रभास का जो लुक होगा ना वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं कब हो गया ये? तो क्या है पूरा सच? क्या सच में स्पिरिट में प्रभास का यही लुक होने वाला है? अगर हाँ तो 4-5 महीने पहले जो लुक रिवील हुआ था संदीप रेड्डीवांगा और प्रभास का, वो क्या था? तो इन दोनों में से स्पिरिट में कौन सा लुक होगा प्रभास का? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों लुक में दिखेंगे हमें इसमें प्रभास? कहीं स्पिरिट में प्रभास के सच में ड्यूअल रोल तो नहीं होने वाले? और आखिर प्रशांत वर्मा और संदीप रेड्डीवांगा का ये साथ में सेल्फी लेना और उसे शेयर करना, इसका क्या राज है? इन सब के ऊपर ना बहुत बड़ी रिसर्च की है हमने। लेट्स चेक इट आउट। Can you make a better film than Bahubali? I'm trying. No, he tried. He's done. Answer is done. है एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म बी। मैं हिता जानी। सो प्रभास प्लस संदीप रेड्डीवांगा की मूवी स्पिरिट अ मोस्ट हाइप मूवी आई मस्ट से, मतलब विदाउट एनी सिंगल ऑफिशियल अपडेट जो हाइप है ना इस मूवी का, आग लगा दी है इन दिनों इस जोड़ी ने। फैंस तो छोड़ो, आम जो मूवी लवर्स है ना वो भी तड़प रहे है इसकी एक एक अपडेट के लिए। ऐसे में कल एक बार फिर से वांगा सर एक नए अवतार में हमें दिखे, जहाँ पर सिर्फ उनकी मूछें दिख रही है, बियर्ड नहीं। अच्छा, इस पिक्चर के वायरल होने की ना एक और भी वजह है, संदीप रेड्डीवांगा के साथ जो बंदा खड़ा है ना प्रशांत वर्मा, वो भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। जो डायरेक्टर प्रशांत वर्मा पीवीसीओ वाले, जिन्होंने रिसेंटली हनुमान जैसी मूवी बनाई है, तो उनकी और प्रभास की अपकमिंग मूवी को लेकर भी ना बहुत चर्चाएं है। खास करके तब जब अभी थोड़े दिन पहले होमवाले फिल्म्स ने प्रभास के साथ 3 मूवीज साइन करने का अनाउंसमेंट किया था। इन 3 मूवीज में ना सबसे पहले जिस डायरेक्टर का नाम आ रहा था वो था प्रशांत वर्मा। जी हाँ, होमवाले फिल्म्स ने जो 3 मूवीज की अनाउंसमेंट की है ना, उसमें से एक मूवी प्रशांत वर्मा प्लस प्रभास प्लस होमवाले फिल्म्स होने वाला है। एंड न्यूज तो ये भी है कि इन 3 मूवीज की साइन की अनाउंसमेंट पर नहीं रुकेंगे ये लोग, बहुत जल्द इन 3 मूवीज का अनाउंसमेंट भी करेंगे विद ब्रांड न्यू पोस्टर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए, वो तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द पता चल ही जाएगा कि प्रशांत वर्मा प्रभास के साथ कौन सी मूवी करने वाले हैं, कि पीवीसीयू का हिस्सा होगी या फिर कोई स्टैंड अलोन मूवी होगी। तो बैक टू द पॉइंट, प्रशांत वर्मा के साथ ना वांगा सर का ये पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एंड माना ही जा रहा है कि वांगा सर का ये नया लुक ना प्रभास का स्पिरिट का लुक होने वाला है। जी हाँ, जैसे कि हमें पता है कि वांगा सर एक ऐसे डायरेक्टर है ना, उनका स्टाइल ही निराला है। वो जो भी मूवी बनाते हैं और उस मूवी में उनके हीरो का जो लुक होता है ना, वही गेटअप वो भी रख लेते हैं। जैसे कि हमने कबीर सिंह में देखा, एनिमल में भी, एंड नाउ ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट में भी ऐसा कुछ होने के बहुत चांसेस है। जी हाँ, वांगा सर का मूछो वाला ये लुक प्रभास के इस लुक से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभास का ये लुक स्पिरिट का हो? वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रभास का ये जो लुक है ना वो अभी का नहीं है, आदि पुरुष के वक्त का है। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रभास का ये लुक ना संदीप रेड्डीवांगा के आज के लुक से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पिरिट में प्रभास हमें इसी अवतार में दिखेंगे? क्या बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर भी ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या? अभी 4-5 महीने पहले ही संदीप रेड्डीवांगा और प्रभास का ये फोटो ना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। एक्चुअली देवरा के टाइम पर वांगा सर मिले थे एनटीआर से, और वहाँ पर उन दोनों का ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि प्रभास के इस वाले लुक से वांगा सर का ये लुक बहुत ही मिलता जुलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रभास इस लुक में कल्कि के प्रमोशन के वक्त दिखे थे। तो कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में से प्रभास का स्पिरिट में कौन सा लुक होगा, ये वाला या फिर ये वाला? तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि स्पिरिट में इन दोनों लुक में दिखेंगे हमें प्रभास। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, जैसे कि स्पिरिट को लेकर बहुत पहले ही अपडेट आई थी कि इसमें प्रभास के ड्यूअल रोल होने वाले हैं, एक एंग्री कॉप का तो दूसरा गैंगस्टर का। तो ये हो सकता है ना कि ये जो मूछो वाला लुक हो वो एक एंग्री कॉप का हो, और ये जो बियर्ड वाला लुक है वो किसी गैंगस्टर का हो। क्योंकि देखिए, अब तक की हिस्ट्री है कि जब जब भी कोई एक्टर कॉप के रोल में दिखा है ना, तो वहाँ पर उन्होंने मूछें ही रखी है, बियर्ड कभी नहीं रखी, वो चाहे दबंग हो, सिंघम हो या फिर आमिर खान की तलाश ही क्यों ना हो। तो हो सकता है ना कि प्रभास भी इसमें एज अ कॉप इस लुक में दिखे, एंड बियर्ड वाला गैंगस्टर का हो। भाई अगर ऐसा होता है ना, तो प्रभास का इन दोनों अवतार का आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ना, वो नजारा ही कुछ और होगा बड़े पर्दे पर आग लगा दे की ये फाइट सीक्वेंस। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रभास के करियर में ये पहली बार होने जा रहा है कि वो किसी कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं।
जी हाँ, आज से पहले प्रभास ने कभी भी किसी कॉप का रोल प्ले नहीं किया है, ना बाहुबली से पहले और ना ही बाहुबली के बाद। तो प्रभास को पहली बार एज अ कॉप बड़े पर्दे पर देखने का ना मजा ही कुछ और होगा, और वो भी एंग्री ईमानदार कॉप। तो स्पीड को लेकर अभी ऑफिशियल अपडेट ये है कि अभी नेक्स्ट मंथ मतलब दिसंबर 2024 में इसकी पूजा सेरेमनी होगी, मतलब कि मुहूर्त होगा, और उसी वक्त हो सकता है कि प्रभास का फर्स्ट लुक रिवील कर दे लोग। देन नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में इसकी शूटिंग शुरू होगी, एंड उसके भी नेक्स्ट ईयर मतलब कि 2026 के मिड में ये मूवी हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा लगेगा। तो भी स्पिरिट नहीं तबाही कहो इसे, तबाही जो दो दो प्रभास और एक डॉनली के साथ बड़े पर्दे पर आग लगाने जा रही है। सो कांट वेट फॉर स्पिरिट। भाई वांगा सर, जल्दी से जल्दी स्पिरिट बना दो और जल्दी से जल्दी इसको रिलीज कर दो। जिस तरीके की इसकी हाइप बनी है ना, मैं गारंटी देती हूँ कि वर्ल्ड वाइड डे वन पर ये 200 करोड़ प्लस की कमाई करेगी। क्या बात, ये बात है। सो यहाँ जैसे स्टोरीज वीडियो, वैसे स्पिरिट में अगर प्रभास के सच में ड्यूअल रोल होते हैं तो आप इन दोनों में से कौन से रोल में प्रभास को देखना पसंद करोगे, एंग्री कॉप या फिर गैंगस्टर? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।